बुर्ज बना है, ये 11 मंथ में बना है। 11 मंथ में, मतलब खूबसूरत मौसम के साथ, खूबसूरत वाइफ के साथ, खूबसूरत बिल्डिंग में। हेलो गाइस, की हाल चाल, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। टाइम हो चुका है आज 5 बज गए। आज आपको दिखाते हैं हमारे खरड़ शहर में फतेह बुर्ज में। आपने जाना है, मम्मी देख रहे हैं टीवी, क्राइम पेट्रोल। अभी हम तैयार हो चुके हैं, अब निकलेंगे हम फतेह बुर्ज के लिए। तो हमारे घर से थोड़ा नज़दीक ही है, और बाकी की स्टोरी आपको वहां जाके हम बताएंगे सारी स्टोरी। मम्मी हम जा रहे हैं भाई, चप्पलें दूसरी हैं पहले। कौन सी? ये वाली है ना पा। क्यों? ये चप्पलें पा, ये ना नल गिर जाने ते लगती। चलो चलिए, यहाँ पे लगा है जाम जो हमेशा लगा ही रहता है यहाँ पे है। हिस्टोरिकल प्लेस है, यहाँ से हम आज शुरू करते हैं, आपको ले चलते हैं अंदर। ये जो है मंडे क्लोज रहेगा। यहाँ पे करेंगे हम एंट्री और अपना नंबर और प्लेस, आप कहाँ से हो? आप गाड़ी में हो? नहीं, बाइक पे आए हैं। और यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। जो ये मीनार है, इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। ये जो हमारे एक्स सीएम प्रकाश सिंह बादल जी ने इसका नींव पत्थर रखा था। यहाँ पे ना बहुत 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 ज़्यादा पीस है, बहुत शांति है, चिड़ियों की आवाज़ है, तो आप देख सकते हो इस। और हाँ, फतेह बुर्ज, जो फतेह बुर्ज है इसका एक इतिहास है। यहाँ पे बाबा बद्दा सिंह बहादुर ने जो ये मैदान है ये सारा फतेह किया था। तो आज हम यहाँ पे आए हैं, वैसे हम आते रहते हैं, तो आज आपको ये दिखाने वाले हैं इसका जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो भी आपको आज दिखाते हैं। ये कितने, इसकी हाइट कितनी है, कितना है सारा इसका, कितने टाइम पीरियड में ये बन गया था। ये रहा फतेह, मतलब खूबसूरत मौसम के साथ, खूबसूरत वाइफ के साथ, खूबसूरत बिल्डिंग में। बुर्ज का जो सारी इंफॉर्मेशन है वो इसमें है। ये जो फर्स्ट हाइट है वो 67 फीट में है, जो सेकंड हाइट है वो 117, और जो थर्ड है 220 फीट में है, जो इसकी हाइट है, टोटल हाइट है जो
इसका जो डेकोरेटर डूम है वो खंडा है, और एक बहुत 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 बड़ी बात ये है, और ये इतनी बड़ी जो बिल्डिंग है, ये जो बिल्डिंग है, ये जो फतेह बुर्ज बना है, ये 11 मंथ में बना है, 11। तो आप इमेजिन कर सकते हो ये कितनी जल्दी बना होगा। आपको अंदर से आपको सारा दिखाएंगे। अगर आपको ऊपर जाना है, वैसे आप ऊपर जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो लिफ्ट है वो बंद है, ऊपर जाना अलाउड नहीं है, फिलहाल तो नहीं है, पता नहीं कब खुलेगा। जब से ये बना है, मैं यहाँ पे जितनी बार भी आया हूँ, ये बंद ही है, ये बंद ही रहती है लिफ्ट। ये सेकंड फ्लोर के लिए ये वाली लिफ्ट है। तो बाकी आपको अंदर से सारा ये दिखाते हैं। ये आप फतेह और बारिश का मौसम हो रखा है, थोड़ी थोड़ी ड्रिजलिंग तो हो रही है। तो ये है यहाँ की लेक। अभी आपको जो इस फतेह बुर्ज की जो मेन जो मूल हस्ती है, जो यहाँ की जिनके कारण ये मैदान फतेह हुआ था, वो है बाबा बंदा सिंह बहादुर। तो उनका जो स्टैचू है हमारे बिल्कुल सामने है, तो वो आपको दिखाते हैं। ये रहा बाबा बंदा सिंह बहादुर जी का स्टैचू, और इनके बारे ये सारी कहानी है। ये बाबा मैं एक जो यहाँ की जो मेन जो खासियत है वो ये है कि यहाँ पे इतना पीस है ना, इतना पीस है कि इतनी शांति है यहाँ पे, इतनी अच्छी हवा चल रही है, और मौसम भी इतना अच्छा है। तो आप देख सकते हो हमारे पीछे फतेह बुर्ज जो 11 महीने में कंप्लीट हो गया था। गाइज, अगर आप यहाँ पे कभी भी आते हो तो यहाँ पे प्लीज़ 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 गंद मत डालना, क्योंकि ये बहुत ही साफ़ सुथरा इन्होंने रख रखा है। और जो आप मेरी तरफ देख सकते हो, यहाँ पे बिल्कुल भी यहाँ पे लोगों ने गंद नहीं डाला, तो आप भी मत डालना जब भी आप यहाँ हो, पर मस्ट विज़िट, आप ज़रूर यहाँ पे विज़िट करना। ड्रोन होता तो मज़ा आता। तो गाइज, सपोर्ट करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखना, और शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छी। गाइज, बाकी आपको इसका व्यू दिखाएंगे थोड़ी देर बाद, जब इसकी लाइटिंग ऑन हो, नाइट व्यू इसका दिखाएंगे, तो बहुत बहुत औसम व्यू आता है इसका, तो दिखाएंगे। फतेह इतना औसम आता है, हम आज खुद पहली बार देखेंगे इसको इतने पास से। इतना अच्छा मौसम हो रहा है यहाँ पे, इतना ज़्यादा मौसम अच्छा है कि इस जगह तो अच्छी है ही है, और मौसम ने इस जगह को और भी ज़्यादा अच्छा कर दिया है। तो गाइस, आपने ये चीज़ मिसिंग कर दी, काश आप सभी यहाँ पे होते तो आपको पता लगता ये कितना अच्छा बना हुआ है, कितना अच्छा और कितना खूबसूरत और अच्छा। और आज तो दिन बन गया। दिन बन गया आज भाई, सच में दिन बन गया आज। और बतानी है कि आपको जो नाइट व्यू दिखाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ रुकने वाला हूँ जब तक यहाँ अंधेरा नहीं होता। तो घर तो चले जाएंगे, हमारा घर ज़्यादा दूर नहीं है, तो लेकिन
जो नाइट व्यू होएगा ना वो इतना औसम होने वाला है ना, तो आपको ये दिखाने वाला हूँ कि ये मिस ना हो जाए। तो अगर आपको व्यू वो अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कर देना। गाइज अगर आप यहाँ पे कभी भी आते हो तो प्लीज़ 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 आपसे रिक्वेस्ट है कि फ्लावर्स मत तोड़ना, जो गिर जाए वो अलग बात है, वो गिरे उठा लो, तो स्पेशली इन फ्लावर्स को मत तोड़ना क्योंकि यहाँ की खूबसूरती में वो भी बहुत अच्छा रोल अदा कर रहे हैं। तो यहाँ की जो प्लांटेशन है बहुत औसम है, यहाँ की जो लेक है ये जो हमारे सामने है ये वाली, ये भी बहुत अच्छी बनी हुई है। और मैं ज़्यादा तो नहीं दिखा पाऊँगा लेकिन आपको शॉर्ट्स ज़रूर दिखाऊँगा, मैं दिखूँ ना दिखूँ लेकिन आपको शॉर्ट्स हमारे ज़रूर दिखेंगे। गाइस यहाँ पे थोड़ी थोड़ी बारिश होने लगी है तो अच्छा है, बड़ा अच्छा लग रहा है मेरे को, बहुत अच्छा लग रहा है। बस मैं चाहता हूँ जल्दी जल्दी अंधेरा हो जाए और फतेहपुर का नाइट व्यू देखें और बहुत औसम होने वाला है। गाइस बहुत अच्छे अच्छे फोटोज़ भी ली हैं, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, फॉलो करने के लिए लिंक हमें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ पे जाके हमें फॉलो कर लीजिए। और गाइस यहाँ पे हेरिटेज कैफ़े भी है, तो आप यहाँ पे आपको खाने पीने के लिए मिल जाएगा, तो यहाँ पे पेटीएम भी चलता है। गाइस चलो पता करते हैं अभी फतेह बुर्ज की लाइट कब ऑन होगी, तो पता करते हैं चलो। गाइस मैंने पीछे वहाँ काउंटर पे पूछा था कि यहाँ की लाइट कब ऑन होगी और लाइट अभी है नहीं, कब बोल रहे हैं कि काफ़ी देर से लाइट नहीं है, तो जब लाइट ऑन होगी हम देखते हैं, कुछ देर आधा घंटा घंटा जितना भी हो वेट करेंगे। तो मैं तो व्यू देखने वाला हूँ और मैं जाने नहीं वाला यहाँ से जब तक होता नहीं। फाइनली लाइट आ चुकी है और हम देखने वाले हैं व्यू। ओ माय गॉड, बहुत बहुत औसम व्यू है यहाँ का भाई, यहाँ सभी तरफ अभी लाइटें ऑन हो चुकी हैं और बहुत ही ज्यादा औसम व्यू है। सच में ऐसे लग रहा है कि दिवाली आज। गाइस यहाँ पे ना शब्द चल रहे हैं जो इस एनवायरनमेंट को और भी ज़्यादा पीसफुल बना रहे हैं, तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, मेरे को इतनी अच्छी मतलब वाइब्स आ रही है ना यहाँ से, मैं मतलब आई कांट एक्सप्लेन। गाइस यहाँ का एनवायरनमेंट और भी ज़्यादा पीसफुल हो चुका है, यहाँ पे लाइटिंग गाइस और ऊपर बादल, कितना अच्छा मौसम हो रहा है। गाइज मैं क्या बोलूँ, मैं स्पीचलेस हूँ और मैं चाहता हूँ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और हो सके तो यहाँ विजिट ज़रूर करना। इसका जो एड्रेस है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, इस इधर यहाँ कोई फीस नहीं है कोई कुछ। गाइज यहाँ पे ना शब्द चल रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है यार, बहुत मज़ा वाला आ रहा है।
गाइज आपको वीडियो कैसी लगी ये जरूर बताना, लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। जल्दी आपको मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।